महक और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज। कामतगिरी परिक्रमा में प्रशासन और वन विभाग ने अतिक्रमण कार्यों पर चलाया चाबुक। चित्रकूट धर्मनगरी चित्रकूट में आज बहुप्रतीक्षित अतिक्रमण हटाओ अभियान जोरों से चलाया गया। उप जिलाधिकारी राम प्रकाश DFO वन विभाग तथा अपर पुलिस अधीक्षक शीतला प्रसाद पांडे ने पूरी टीम के साथ आज सवेरे से ही परिक्रमा मार्ग JCB तथा नगर पालिका के करीब 2 दर्जन कर्मचारियों की फौज लेकर साक्षी गोपाल मंदिर बॉर्डर से करीब 1 दर्जन दुकानें ढा दिया गया। कहीं को तो प्रशासन ने सामान हटाने का भी मौका नहीं दिया और उनकी दुकान सामग्री मलबे में तब्दील हो गई। प्रशासन की अचानक इस कार्यवाही से पूरे धर्मनगरी में सन्नाटा फैल गया और लोग भयभीत होकर अपनी दुकानें बंद कर दिए, जिससे तीर्थ यात्रियों को भी नाश्ता पानी की दिक्कत हुई। वहीं परिक्रमा क्षेत्र के दुकानदारों का कहना है कि बाहर से आने वाले तीर्थ यात्रियों को दिन में तथा रात में हम लोग सुविधा देते हैं, जिससे यात्री दिन रात बराबर परिक्रमा क्षेत्र में बने रहते हैं। एक तरफ हम लोगों को बेघर और बेरोजगार किया जा रहा है, वही प्रभावशाली पहुंच वाले महंतों द्वारा किए गए वन भूमि वरासो भूमि के अतिक्रमण को प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है, जिससे जन सामान्य में अंदर खाने भारी असंतोष फैल रहा है। आज के अभियान में तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल बीरेंद्र तिवारी, बीरेंद्र त्रिपाठी, कोतवाल रामवीर सिंह, चौकी प्रभारी सीतापुर सहित वन विभाग नगर पालिका करवी के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अशोक त्रिपाठी, चित्रकूट।